अपनी धुन है अपना राग, ठंड में सबसे बढ़िया मक्की की रोटी सरसों का साग। फिर आ गया मौसम सरसों दे साग का, सर्दियों के लिए खास सरसों का साग। सरसों का साग में तीन तरह के साग मिलाए जाते हैं या फिर पांच तरह के साग मिलाए जाते हैं। मैंने यहाँ पर आज की रेसिपी में पांच तरह के साग मिलाकर सरसों के साग को तैयार किया है, जो बहुत हेल्दी और टेस्टी होता है। हाय, दिस इज सुधा तिवारी, वेलकम टू माय चैनल स्पाइसी अरोमा सुधा की रसोई। यहाँ पर दिखा रही हूँ, मैंने सरसों के पत्ते को अच्छे से तोड़ के वॉश करके रख लिया है, और ये पालक का पत्ता है जिसके पत्तों को और मुलायम डंडियों को लेके वॉश करके रख लिया है। तीसरे नंबर पे है मेथी का पत्ता, और चौथे नंबर पे है बथुआ का पत्ता, और पांचवें नंबर पे साग जो लिया है मैंने वो है चने का पत्ता, काले चने का पत्ता है ये। और क्वांटिटी के हिसाब से देखें तो सबसे पहले ज़्यादा क्वांटिटी में सरसों का पत्ता लेंगे, फिर पालक का पत्ता, और फिर बथुआ, और उसके बाद मेथी, और उसके बाद चने का पत्ता। तो सबसे पहले मैं कुकर में इसे ऐड कर रही हूँ, और पालक का पत्ता डाल दिया है। सरसों का पत्ता जो थोड़ा होता है मोटा होता है, और इसकी जो स्टेम है थोड़ी सी मोटी है, तो मैंने इसे मोटा मोटा चॉप कर लिया है। पालक को तो मैंने ऐसे होल पीस में ही डाल दिया, क्योंकि उसके पत्ते बहुत सॉफ्ट होते हैं तो वो गल जाएगा। सरसों का पत्ता भी मोटा मोटा ही काट के डालना है, और यहाँ पर सरसों का पत्ता काट कर मोटा मोटा मैंने कुकर में ऐड कर दिया है। कुकर थोड़ा बड़े साइज़ का लें, और ऊपर से ये भरा भरा सा दिखाई देगा, लेकिन जब ये स्टीम होगा तो ये नीचे बैठ जाएगा। तो पालक का पत्ता, सरसों का पत्ता, बथुआ का पत्ता, मेथी का पत्ता और चना का पत्ता, पांचों पत्तों को कुकर में ऐड कर देंगे। और यहाँ पर 1.5 कप पानी डाल रही हूँ मैं। सरसों का साग बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस एक बार आपने अगर पत्तों की सफाई कर ली, वॉश कर लिया, इसके बाद ये फटाफट बन जाता है। आप इसे तीन पत्तों के साथ भी बना सकते हैं, तीन साग के साथ, जिसमें आप पालक, सरसों और सिर्फ बथुआ ले सकते हैं। स्टीम होने के बाद ये थोड़ा नीचे बैठ गया है। इसमें लहसुन अदरक हरी मिर्च का ददरा पेस्ट 2 से 2.5 टेबल स्पून या 3 टेबल स्पून आप डाल सकते हैं। बारीक कटा हुआ एक प्याज डाल दिया है, और इसका ढक्कन लगा देंगे मीडियम फ्लेम पे, 4 से 5 विसिल आने देंगे। लो टू मीडियम रखेंगे फ्लेम को, और यहाँ पे विसिल आ चुकी है। जब ये विसिल अपने आप निकल जाए, देख लेते हैं कुकर का ढक्कन खोल के, तो ये अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है साग। तो अब इसे क्या करना है, मैं यहाँ पे गैस के ऊपर से उतार दे रही हूँ, गैस से हटा देंगे, और आप देख सकते हैं इसमें पानी बचा हुआ है, तो इस पानी को हटाएंगे नहीं, इसी पानी के साथ मैं इसे इलेक्ट्रॉनिक ब्लेंडर के थ्रू ब्लेंड करूँगी। वैसे तो इसे ट्रेडिशनली जो मथनी होती है, लकड़ी की मथनी, उससे मथा जाता है, या पोटैटो मैशर के थ्रू आप इसे मैश कर सकते हैं। तो ये मेरे को आसान लगा, तो जो जिस बर्तन में है उसी बर्तन में इलेक्ट्रॉनिक ब्लेंडर के थ्रू ब्लेंड कर लिया है, और दरदरा सा ब्लेंड किया है, तो इस तरह का टेक्सचर है ये। तो इसे हम वापस गैस ऑन करके गैस पे रखेंगे इस साग के मिक्सचर को, और इसमें मक्की का आटा या बेसन मिला सकते हैं। तो मैं बाजरे की रोटी के साथ इसे बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे बेसन ऐड किया है। ट्रेडिशनली मक्की का आटा इसमें ऐड किया जाता है, बेसन डालने से भी अच्छा फ्लेवर और टेक्सचर आता है। तो मैंने इतना साग के साथ 4 से 5 बड़े चम्मच बेसन को ऐड किया है 2 पार्ट में, और अच्छे से मिक्स कर लिया है, और कुछ देर इसे बेसन के साथ साग को पका लेंगे। फ्लेम को धीमा ही रखेंगे और चलाते जाएंगे, ताकि जो साग है वो कुकर के तले पे लगे नहीं। तो नमक डाल दिया है स्वाद के हिसाब से यहाँ पर, और इस तरह से साग बना के ट्रेडिशनली रख लिया जाता है। इसके बाद आप इसे तड़का लगा के कभी भी खा सकते हैं। बहुत से घरों में काफ़ी क्वांटिटी में इस तरह के साग को बना के रख लिया जाता है, मक्की के साथ पका के और घोट के, और जब खाना होता है तो ताज़ा तड़का लगा के इसे सर्व किया जाता है। तो अगर आप इसे थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बना के फ्रिज में स्टोर करना चाहते हैं तो रख सकते हैं 2 से 3 दिन के लिए, और जब भी आप खाना चाहें तो तड़का लगा के इसे सर्व करेंगे। तो मैं अभी तड़का लगाने जा रही हूँ। तो कढ़ाई रख ली है, सरसों का तेल डाला है, थोड़ा सा मेथी का दाना डाला है, बारीक कटा हुआ लहसुन डाल दिया है 2 बड़े चम्मच। जैसे ही हल्का सा लहसुन सौते हो, यहाँ पर कद्दूकस किया हुआ अदरक ऐड कर दिया है, और बारीक कटा हुआ 1 प्याज ऐड कर दिया है। प्याज जैसे ही सौते हो जाए, मेथी के बाद साबुत लाल मिर्च डालनी थी, जो डालना भूल गई थी मैं, तो 1 छोटे चम्मच तेल के साथ मैंने अलग से लाल मिर्च को भून लिया है और इसमें ऐड कर दिया है।
टमाटर को ऐड करेंगे और टमाटर को भी धीमी आंच पर थोड़ी देर ढक के सॉफ्ट होने तक टमाटर को पका लेंगे। ट्रेडिशनली सरसों के साग में हल्दी नहीं डाली जाती है, तो मैं भी हल्दी नहीं डाल रही हूँ। टमाटर जैसे ही सॉफ्ट हो जाए तो इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला और कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर को ऐड किया है मैंने। तो ये गरम मसाला है, आप एक टेबल स्पून डाल सकते हैं और 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर ऐड करेंगे और कुछ 30 सेकंड के लिए मसाला को इसमें पका लेंगे। बस इस तड़के में अब घोटा हुआ साग डालेंगे और इसे तड़के के साथ अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को धीमा रखेंगे और कुछ देर मसालों के साथ भी साग को पका लेंगे ताकि मसाले का अच्छा फ्लेवर साग में अच्छे से मिल जाए। तो चलाना है इसे लगातार, छोड़ नहीं देना है मसाला जब आप करें। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मसालों के साथ साग अच्छे से मिल गया है और बस ये साग अब सर्व करने के लिए तैयार है। तो मैं इसे निकाल रही हूँ सर्विंग बाउल में और सर्व करते हुए गर्मा गर्म साग में ऊपर से ऐड करेंगे चिट्टा मक्खन यानी कि सफ़ेद मक्खन। तो यकीन माने कभी अगर आपने खाया नहीं है तो ज़रूर बनाएं। सर्द के मौसम में हेल्दी भी होता है और मक्की की रोटी के साथ या बाजरे की रोटी के साथ इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। ट्रेडिशनली ये पंजाब में बनाया जाता है, पंजाबी डिश है। तो अगर आप भी सोच रहे हैं सरसों का साग बनाने की तो बिल्कुल मेरी वीडियो देख के आप सरसों का साग बना सकते हैं, आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। आप देख सकते हैं इसका बहुत अच्छा टेक्सचर आया है और स्वाद तो जब आप बना के खाएंगे तो ही पता चलेगा। तो मैं सर्व कर रही हूँ इसे काले बाजरे की रोटी के साथ। तो गर्मा गर्म काले बाजरे की रोटी या मक्की की रोटी बनाएं, ऊपर से रोटी के ऊपर भी बढ़िया सा घी या मक्खन लगाएं तो इसका स्वाद तो दोगुना बढ़ जाता है। आज की मेरी वीडियो और रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। नई रेसिपीज़ पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, साथ के साथ बेल आइकन बटन दबाइएगा जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच, बाय बाय।